नमस्कार, मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं चंदा टाइम्स। IBFA आगरा डिस्ट्रिक्ट की बैठक 19 जून 2022 को यूथ हॉस्टल में संपन्न हुई, जिसमें निर्वाचित पदाधिकारियों का गठन हुआ एवं सम्मान किया गया। बैठक में मुख्य रूप से IBF राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु चौहान उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं UP टीम के पदाधिकारियों का स्वागत माला व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। IBF के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि फिटनेस बनाने का जुनून आज के युवाओं में सर चढ़कर बोल रहा है, जो कि एक अच्छी पहल है, जिससे देश का युवा फिटनेस को लेकर जितना जागरूक होगा उतना ही नशे धूम्रपान से दूर होगा, देश का युवा स्वस्थ बनेगा। आप देख रहे हैं संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। मैं विष्णु चौहान है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इंडो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन का। आज हमारे नवगठित पदाधिकारियों को का गठन करने का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हमने आगरा मंडल व शहर की कमान अपने नए पदाधिकारी को दिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आगरा मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई रईस कुरैशी जी को बनाया है और छोटे और आगरा जिले की कमान हमने छोटे भाई प्रमोद ठाकुर जी को दी है। उनके साथ जिले में महासचिव छोटे भाई हरिओम चौहान जी को बनाया गया है और आगरा उत्तर प्रदेश का टीम मैनेजर बॉडी बिल्डिंग कमेटी का छोटे भाई राजा कुरैशी जी को बनाया गया है। और इसके साथ साथ कई प्रमुख पद जो हमने आज बांटे हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट जिले का, शहर वाइस प्रेसिडेंट, आगरा चेयरमैन, आगरा मंडल चेयरमैन और इस तरह के कई अपने साथियों को हमने पद से सम्मानित किया है। प्रमोद ठाकुर और इंडो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन एसोसिएशन का आज मुझे जिलाध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है आगरा का। आज आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है आगरा का, तो आप आगे संस्था के लिए क्या कार्य करेंगे जिससे संस्था आगे बढ़ सके? संस्था के लिए मैं अपना भरपूर प्रयास करूँगा। अभी मैं युवा हूँ और अभी फेडरेशन में सबसे कम उम्र है मेरी और फेडरेशन को जितना मेरा सहयोग है मैं अपना 100% पूरा दूंगा और युवाओं के लिए अपने नया कार्य करने के लिए। आज की लाइफ में अगर देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग एक मेन जो उद्देश्य है, तो उसके लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए आप? युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग जिस स्तर से बढ़ते जा रही है उस पर थोड़ा ध्यान दें, बॉडी बिल्डिंग में नशा और ये सब छोड़ के अपना बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान दें। इसलिए मैं आगरा मंडल अध्यक्ष चुना गया हूँ, पूरी टीम ने मुझे बहुत सहयोग किया है। मैं पूरी मेहनत से इस टीम को और तरक्की मिलाऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा और सब लोगों की सपोर्ट से। आज का जो युवा है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को अच्छे से अच्छा उसका पुरस्कार देंगे और बहुत अच्छी चीज़ स्कीम हम नई नई निकालेंगे, सबने मिल के पूरी टीम ने बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी कपूर, मैं आगरा शहर अध्यक्ष टीम IBFA में इंडो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन। बॉडी बिल्डिंग आज के युवाओं के लिए कितना जरूरी है और स्वास्थ्य को लेकर तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आगरा के युवाओं? हमारी टीम का IBFA का सबसे मेन संदेश यही है कि आज का युवा जो नशे की लत में पड़ रहा है, गलत कामों में जा रहा है, बॉडी बिल्डिंग की वजह से हम चाहते हैं कि वो लोग नई जगह पर आकर बॉडी बिल्डिंग में आकर इन सारी चीज़ों से दूर रहें, नशे से दूर रहें और अपना शरीर और स्वास्थ्य बढ़िया बना के रखें। आज आपने आगरा में पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं कि आपकी सुविधा को कहाँ तक ले? आज यहाँ यूथ हॉस्टल में जो मीटिंग हुई है, जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, हमने उनसे यही उम्मीद रखी है कि आने वाले इवेंट में जो हमारा मिस्टर आगरा इवेंट होने जा रहा है 2 महीने बाद, उसमें वो अपने पूरे पद के अनुसार पूरा कार्य अपना 100% दें और फेडरेशन को नई ऊँचाइयों तक लेकर जाएँ। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।